हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आपका मेरे किचन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में ठंडा किसे पसंद नहीं आता है, और अगर उसमें वाटरमेलन का मिल्क शेक हो तो क्या बात है। तो क्यों ना हम घर पर ही वाटरमेलन मिल्क शेक बनाएं, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए वाटरमेलन मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। ये मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए वाटरमेलन, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सब्जा भी, बारीक कटे हुए पिस्ता, बारीक कटे हुए काजू, चीनी, इलायची पाउडर, आइस क्यूब और एक कप दूध। तो सबसे पहले हम मिक्सर के एक बर्तन में वाटरमेलन डाल देंगे, फिर एक छोटी कटोरी चीनी डाल देंगे, एक चम्मच इलायची पाउडर, 4 से 5 आइस क्यूब और आधा कप दूध। बस इतना ही करना है हमें। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। सर्व करने के लिए हम सबसे पहले ग्लास में 1 चम्मच सब्जा बीज डाल देंगे, फिर हम इसमें बारीक कट किए हुए वाटरमेलन डालेंगे, और अब हमारा ये मिल्क शेक। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए इसमें वेनिला आइसक्रीम डालेंगे और उसके ऊपर वाटरमेलन के कुछ टुकड़े भी डाल देंगे, ताकि जब आप इसे पियेंगे ना तो आपके दांतों में जब ये टुकड़े आते हैं ना तो ये और भी अच्छा लगता है। फिर इसमें हम डालेंगे पिस्ता और काजू, और ये हमारा वाटरमेलन मिल्क शेक तैयार है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो ना तो इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। बाय बाय।